जैसे अपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले विजुअल्स देखे थे वो है हमारे रोकाली पंचायत का जो ब्लैक टॉप हुआ जो था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पुकार न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर जो कि पंचायत रोकाली से है। वहां के लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं कि गवर्नमेंट उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। उनका कहना ये है कि चराला रोड पर जो ब्लैक टॉप हुआ है उसमें लुक नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही, और इस बारे में शिकायत करने पर उन्हें ये रिस्पॉन्स मिलता है कि आप इस ब्लैक टॉप के मटेरियल को उठाकर लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। रोकाली पंचायत के लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए जेई से लेकर पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चीफ तक सबको चोर बताया है। उनका कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे तो देती है पर जेई से लेकर पीएमजीएसवाई चीफ तक सब उस पैसे को हड़पने के चक्कर में रहते हैं और सही से काम नहीं करते। रोकाली के लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि कल को जब वहां पर भारी बर्फबारी होगी तो ब्लैक टॉप का सारा मटेरियल साफ हो जाएगा और गड्ढे बन जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और उन एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इस बारे में पंचायत रोकाली के लोग डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर, एलजी चीफ मनोज सिन्हा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उनका कहना ये है कि शांति से उनकी बात सुनी जाए वरना उनकी शांति आक्रोश का रूप ले लेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत भारी पड़ेगी। उनका कहना ये है कि अगर उनकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो वह उस रोड की बिलिंग यानी बिल पास होने नहीं देंगे और हंगर स्ट्राइक यानी धरने पर आ जाएंगे। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो आइए इस समाचार को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक बार निकल के अभी जेई साहब से हम बात कर रहे थे, बात करते करते वो भाग गए। ये मुंह छुपा के कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये चोर है इसलिए मुंह छुपा रहे हैं। देखो हम अभी भी शांति से, हम शांति चाहते हैं, हम शांति से बोल रहे हैं कि हमारी शांति को आक्रोश का रूप ना लेने दें, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। हम इस रोड का बिलिंग नहीं होने देंगे, बिल पास नहीं होने देंगे, हम ये नहीं खाने देंगे। एक बार डीसी साहब को, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कोई स्पेशल टीम यहाँ पे भेजे। सब आपके सामने, सब चोर बजारी है, सब लूट मचाया हुआ है, तो इस चीज को एक बार जरूर देखिए, नहीं तो हम लोग धरने पे आ जाएंगे, हम लोग सड़कों में उतर जाएंगे, हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, तो फिर वो प्रशासन के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। तो प्रशासन को देखना है, हम लोगों का दर्द समझना है या नहीं, या यही चोर बाजारी हर एंगल से चोर बाजारी मचा के रखनी हुई है। एक बार फिर से डीसी डोडा, एलजी से हमारी रिक्वेस्ट है, मनोज सिन्हा साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, अदरवाइज ये बहुत महंगा पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये जो पीएमजीएसवाई में जो चीफ, जो एक्सीएन और ये जो जेई हैं, इसके अंडर आते जो चोर बैठे हुए हैं उनको बहुत महंगा पड़ेगा ये। थैंक यू। जैसे अपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले विजुअल्स देखे थे वो है हमारे रोकाली पंचायत का जो ब्लैक टॉप हुआ जो चराला रूट। तो चराला रूट ये चराला वाया भेला से होके जाता है ये, तो इस पे 7 किलोमीटर का इन्होंने लिया हुआ है। तो उसमें आपने क्लियर देख लिया है कि इसमें कोई भी लुक नाम का कोई नाम नहीं है, बस खाली रंग दिया गया, इसको काला दिखाया गया है कि लोग यहाँ के उतने अवेयर नहीं है और लोगों के साथ खेला जा रहा है। अगर ये कल को रोड जब खराब हो जाएगा, यहाँ पे खड्डे बनेंगे और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, एक तो ये हमारी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, और जब इनके जेई से एक्सीएन साहब यहाँ विजिट पे आए उनसे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीएन से लेकर चीफ तक और नीचे जेई तक हर कोई चोर है, हर कोई मिला हुआ है, हर कोई पब्लिक को खाना चाहता है। किस एंगल से वो खा सकता है, वो खाना चाहता है, हमारा पैसा हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये चोर बैठे हुए हैं। तो डीसी साहब से, डीसी डोडा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये हमारी जान खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे खड्डा बनेगा तो जब एक्सीडेंट होगा तो रिस्पांसिबल कौन होगा। और जब इनके जेई से बात करो, ये अभी 20 दिन हो गए इस रोड को लुक बिछे हुए, ये कह रहे हैं कि अब ये सेट होने में इसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, आगे सर्दी आने वाली, बर्फ गिरेगी और ये सब फेंके निकल जाएगा, तो इसका रिस्पांसिबल कौन होगा। प्रशासन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, हर कोई चोर है, चीफ से लेकर पीएमजीएसवाई चीफ से लेकर एक्सीडेंट हुसैन साहब यहाँ पे आए, हर कोई चोर है, हर कोई मिला हुआ है। पब्लिक की कोई यहाँ पे जब उनसे बात करो वो कहते हैं आप लेमैन की तरह बात करते हो, आपको कोई पता नहीं है, अगर आपको जानना तो इसको उठा के, विटामिन डी होता है इसमें, लेबोरेटरी में जाओ। अब कौन बंदा इसको उठा के लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाएगा, ये यहाँ क्या खाली सिर्फ चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं, हम ये इनके नौकर लगे और ये आएंगे, या हमारे जो हमारे लिए सरकार जो पब्लिक के लिए पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम ये नहीं कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट चोर है, लेकिन ये पीएमजीएसवाई सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा स्कैम होता है इसमें। कब ये लोग हम लोगों का दर्द समझेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, इनको अपने आप से मतलब है। फिर से एक बार हम
पंचायत रोकाली के जो हम जितने भी यहाँ पे हैं लोग, हम आप एलजी साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार इस मैटर को जरूर देखा जाए। खुशबू साहब आए, उन्होंने बात की हाई लेवल की लेमेन से, यहाँ पे सब अवेयर नहीं है बंदे, उन्होंने ऐसे ऊपर से बात की, लोगों को घुमा दिया और वो चले गए। 6 महीने बाद वो रिटायर होने वाले, उनको शर्म आनी चाहिए, जो चीफ है उनको शर्म आनी चाहिए, जो यहाँ की उनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक सब कमीशन के लिए कर रहे हैं, कहां जाएगी जनता? कल को जब ये रोड खराब होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी, रिस्पांसिबल कौन होगा? जेई होगा, एक्सीएन होंगे या पीएमजीएसवाई के चीफ होंगे? कोई भी रिस्पांसिबल नहीं होगा। आज ये कह रहे हैं कि हम 5 साल तक इसको हम फ्री में ठीक करके देंगे। अरे ठीक करने की नौबत आएगी ही क्यों? काम पक्का कीजिए ना, 5 साल तक ठीक करना ही क्यों है इसको? अभी अगर आप काम पक्का नहीं कर रहे, एक बार निकल के, अभी जे हिसाब से हम बात कर रहे थे, बात करते करते वो भाग गए, ये मुंह छुपा के कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये चोर है, इसलिए मुंह छुपा रहे। देखो हम अभी भी शांति से, हम शांति चाहते हैं, हम शांति से बोल रहे हैं कि हमारी शांति को आक्रोश का रूप ना लेने दें, नहीं तो